हाल ही में यूपी बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट आउट होता है, जिसमें सीतापुर की रहने वाली प्राची निगम 98.5% के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में टॉप करती हैं। लेकिन शायद ही प्राची को ये पता था कि उनकी सालों की करी गई मेहनत ज्यादा दिन तक रास नहीं आने वाली, क्योंकि उनका फोटो इंटरनेट पर वायरल होते ही लोगों ने प्राची को उनके फेशियल हेयर के लिए ट्रोल करना शुरू कर दिया। लेकिन हद तो तब हो गई जब होनार प्राची निगम को इन ट्रोलिंग की वजह से ही अपने टॉपर होने पर ही अफसोस हो गया। हाँ, एक दो नंबर नहीं आते तो अच्छा ही रहता। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये ट्रोलिंग शुरू कैसे हुई थी और क्यों आज भी लोग इतने पढ़ लिख जाने के बावजूद भी ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को किसी नॉलेज और स्किल के आगे ज्यादा तरजीह देते हैं। और तो और, अगर आपको कभी अपनी लाइफ में ऐसा लगा है कि लोगों ने आपको आपके अपीयरेंस की वजह से नीचा दिखाने की कोशिश करी, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो प्राची निगम की ट्रोलिंग की शुरुआत तब होती है जब यूपी बोर्ड में टॉप करने के बाद उनके पिक्चर्स सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं। लेकिन आप लोगों को ये बता दें कि सोशल मीडिया पर लोगों की अटेंशन प्राची निगम की अचीवमेंट पर नहीं, बल्कि उनके फिजिकल अपीयरेंस पर थी, क्योंकि एक महिला होने के बावजूद भी उनके चेहरे पर फेशियल हेयर्स थे। प्राची निगम के फेशियल हेयर होने के पीछे की असली वजह असल में हिर्सुटिज्म नाम की एक मेडिकल कंडीशन है, जिसमें फीमेल्स में एक्सेस टेस्टोस्टेरोन या मेल हार्मोन बनने की वजह से उनके फेस, चेस्ट और बैक जैसे हिस्सों पर एक्सेसिव हेयर ग्रोथ देखने को मिलता है। वैसे तो एक मेल और फीमेल दोनों में ही टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों ही हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन विमेंस में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा काफी लोअर अमाउंट में होती है एस्ट्रोजन के मुकाबले में, जिसकी वजह से ही उनमें फीमेल ट्रेट्स पैदा होते हैं। लेकिन प्यूबर्टी के दौरान जब लड़कियां काफी तेजी से ग्रो कर रही होती हैं, तो अक्सर इनमें हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी शिकायत देखने को मिलती है, और इसी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही महिलाओं में भी फेशियल हेयर्स डेवलप हो जाते हैं। लेकिन फिर भी इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये काफी नॉर्मल है और ज्यादातर केसेस में आगे चलकर हार्मोन बैलेंस हो जाने की वजह से ये कंडीशन सही भी हो जाती है। और क्योंकि प्राची निगम के केस में वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट ही हैं, यानी कि उनकी एज लगभग 15-16 साल की ही है, तो वो इस टाइम प्यूबर्टी फेस में ही हैं, जिसकी वजह से आगे चलकर काफी चांसेस हैं कि उनके फेशियल हेयर्स भी अपने आप ही चले जाएं। लेकिन इसके बावजूद भी ये मामला इतनी जल्दी थमने वाला नहीं था, क्योंकि प्राची निगम के ट्रोल होने के बाद बॉम्बे शेविंग कंपनी ने इसी मुद्दे पर न्यूज़पेपर पर एक एड प्रिंट करवा दिया कि डियर प्राची, भले ही आज ये लोग तुम्हें इन बालों की वजह से ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन कल यही तुम्हें एयर क्वालिफाई करने के लिए अपलोड भी करेंगे। हालांकि ऊपर से तो ये आर्टिकल प्राची निगम को सपोर्ट ही कर रहा था, लेकिन वहीं इस एड में एक टैगलाइन भी थी, जिसमें लिखा था कि अगर आप हमारे रेजर इस्तेमाल करेंगी तो आप कभी भी बुली नहीं होंगी। फिर क्या था, इस टैगलाइन के वजह से ही मानो प्राची निगम का ये केस एक बार फिर से तूल पकड़ने लगता है, जिसमें इस बार लोगों ने बॉम्बे शेविंग कंपनी के इस एड को इसकी टैगलाइन के लिए भद्दा और अपसर्ड बताया, और बॉम्बे शेविंग कंपनी पर ये आरोप लगाया कि उनके एड की टैगलाइन भी प्राची को ट्रोल ही कर रही है, जिसकी वजह से उनकी इस गंदी मार्केटिंग कैंपेन पर ही सवाल खड़े होने लग गए। हालांकि इस कॉन्ट्रोवर्शियल एडवर्टीजमेंट के बाद ASCI एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस एड को एग्जामिन करने का भी फैसला किया है। लेकिन ऐसा नहीं था कि प्राची निगम ही पहली ऐसी शख्स थी जिनको उनके फेशियल हेयर्स की वजह से ट्रोल किया गया था, बल्कि कुछ वक्त पहले एक्टर रश्मिका मंदाना ने जब सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर करी, तो उन्हें भी उनके चिन पर मौजूद हेयर्स के लिए काफी ट्रोल किया गया था। हालांकि हम खुद ही अक्सर सोशल मीडिया पर लोगों का मजाक बनाते वक्त ये भूल जाते हैं कि ये छोटा सा मजाक ही किसी दूसरे इंसान की मेंटल हेल्थ और यहाँ तक उसकी सेल्फ एस्टीम पर कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। क्योंकि हाल ही में हुई एक साइकोलॉजिकल रिसर्च के हिसाब से ऑनलाइन हरासमेंट के विक्टिम को एंजाइटी, डिप्रेशन और इमोशनल डिस्ट्रेस जैसी चीजों से जूझना पड़ता है। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये ऑनलाइन ट्रोलिंग और या फिर किसी के फिजिकल फीचर्स का मजाक उड़ाना न सिर्फ उन्हें इमोशनली पूरी तरह से तोड़ देता है, बल्कि ये इंडिया में बढ़ रहे टॉक्सिक ब्यूटी स्टैंडर्ड को भी बढ़ावा देता है, जिनमें इन ब्यूटी स्टैंडर्ड के हिसाब से ये बताया जाता है कि फेयर स्किन वाले इंसान ज्यादा बेहतर हैं डार्क स्किन वाले इंसान से। इसके अलावा बड़ी आंखें, पाउटी लिप्स, सिमेट्रिकल फेस और शार्प नोज भी इंडिया में एक सिंबल माना जाता है ब्यूटी स्टैंडर्ड्स का।
लेकिन ये ब्यूटी स्टैंडर्ड सिर्फ फीमेल्स तक ही सीमित नहीं है बल्कि इन स्टैंडर्ड्स पर मेल को भी जज किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये डिसाइड कौन कर रहा है कि क्या खूबसूरती है और क्या नहीं। फिर भी इन्हीं ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए आज इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है स्किन व्हाइटनिंग क्रीम्स का, और इन स्किन व्हाइटनिंग क्रीम्स को प्रमोट करने के लिए हमेशा ही ये पोर्ट्रे किया जाता है कि डार्क स्किन वाले लोग इन्फीरियर होते हैं, और अगर आप फलानी कंपनी की स्किन व्हाइटनिंग क्रीम यूज करेंगे तो आपको ज्यादा चांसेस हैं लाइफ में सक्सेसफुल होने के। और यही एड्स को देखकर इंडियंस अपने मेहनत से कमाए पैसे को धड़ल्ले से स्किन व्हाइटनिंग क्रीम पर खर्च करते हैं। लेकिन अगर बात सिर्फ इन स्किन व्हाइटनिंग क्रीम्स तक ही होती तो बात हजम करी जा सकती थी, मगर लोगों के बीच ये बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर इतना हद तक बढ़ चुका है कि अब वो अपने फिजिकल फीचर्स जो ऊपर वाले ने उन्हें एक गिफ्ट की तरह दिए थे उससे भी डिसेटिस्फाई होकर अब कॉस्मेटिक सर्जरीज तक का सहारा लेना शुरू कर रहे हैं। इसी वजह से एक सर्वे के हिसाब से सिर्फ 2022 में ही 9 लाख से भी ज्यादा इंडियन लोगों ने किसी न किसी तरह का कॉस्मेटिक प्रोसीजर करवाया था, और जिसमें से ज्यादातर पेशेंट्स जनरेशन जी के ही थे, जहां पर उन्होंने बॉडी कॉन्टूरिंग, फेस स्कल्पटिंग, नोज जॉब, बोटॉक्स फिलर जैसे अलग अलग प्रोसीजर करवाए थे। लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद भी हम ये भूल जाते हैं कि एक इंसान की पर्सनालिटी और उसकी स्किल ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं उसके लुक्स से। So judge me for my skills, not my looks. इसीलिए बिना ही हम सोचे समझे किसी भी इंसान को बिना उसके बारे में जाने उसके अपीयरेंस पर ही जज करने लगते हैं। लेकिन अगर वही कहीं कई सालों पहले सोशल मीडिया होता और सचिन तेंदुलकर के डेब्यू मैच पर ही लोग सिर्फ उनकी हाइट देखकर ही ये जज कर लेते कि ये लड़का लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। इसके अलावा ओपरा विनफ्रे अगर ये मान लेती कि वो डार्क स्किन की हैं, वो लाइफ में आगे कुछ अचीव ही नहीं कर सकती, या फेमस एक्ट्रेस सुधा चंद्रा ये सोचती कि मेरा एक पैर नकली है, मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती, और तो और फेमस कॉमेडियन भारती सिंह ये सोचती कि मैं काफी मोटी हूँ, तो शायद ये आज हम लोगों को इतने दिग्गज और महान लोग मिल पाते। लेकिन हम इन सक्सेसफुल लोगों को इनके अपीयरेंस की वजह से नहीं बल्कि इनकी स्किल्स की वजह से जानते हैं। उसी तरह ही हमें ये सोचना होगा कि प्राची निगम जैसे होनहार स्टूडेंट भी आगे चलकर किसी न किसी फील्ड में आगे बढ़कर हमारे देश का ही नाम रोशन करेंगे। लेकिन सिर्फ प्राची निगम ही क्यों, इंडिया में और भी इस जैसे कई लोग हैं जो हर रोज अपने अपीयरेंस की वजह से ही लोगों के बीच शर्मिंदा महसूस करते हैं, और इन्हें शर्मिंदा महसूस करवाने लोग भी कोई और नहीं है बल्कि हम और आप ही हैं। तो चलिए आज हम लोग अपने आप से एक वादा करते हैं कि हम आज से किसी को भी ना तो सोशल मीडिया पर और ना ही रियल लाइफ में भी किसी को उसके अपीयरेंस के लिए ही ट्रोल करेंगे। तो इस वीडियो को उन तक जरूर शेयर करिए जो आपको लगता है आपके फ्रेंड सर्कल्स में या रिलेटिव में बॉडी डिसमॉर्फिया का शिकार है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले।